हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रैवलोपीडिया। मैं हूं प्रकाश और आज हम बात करेंगे मालदीव्स में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अगर आप मालदीव्स घूमने जा रहे हो, खास करके तब जब आप मालदीव्स का ट्रिप खुद से ही प्लान करते हो और वहां पर जाकर अलग अलग आइलैंड एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वहां पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। वहाँ पर वैसे तो बस, टैक्सी, स्पीड बोट, पब्लिक फेरी, सी प्लेन, इस तरह के ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन अवेलेबल है, पर इसमें कौन सा ऑप्शन कहाँ पर होगा, इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं बस के बारे में कि मालदीव्स में बस कहाँ पर चलती है। अब मालदीव्स में जो तीन आइलैंड है, हुलुले, हुलुमाले और माले, ये तीनों आइलैंड बिल्कुल पास पास में ही है और एक ब्रिज से कनेक्टेड है, तो इन तीनों आइलैंड पे बस चलती है। अब जो हुलुले आइलैंड है उसके ऊपर एयरपोर्ट है। हुलुले आइलैंड की एक तरफ माले है और दूसरी तरफ हुलुमाले है। तो आप कभी एयरपोर्ट पर आते हो तो आप माले या हुलुमाले जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एयरपोर्ट से ही बस मिल जाएगी। एयरपोर्ट से माले के लिए हर एक घंटे में बस मिलती है, जबकि एयरपोर्ट से हुलुमाले के लिए हर आधे घंटे में बस मिलती है। एयरपोर्ट पर जो बस का स्टॉप है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट के एंट्री गेट के सामने है। तो आप जब भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो तो वहाँ से बस थोड़ा ही आगे जाके डोमेस्टिक एयरपोर्ट के एंट्री गेट के पास पहुँच जाइए, वहाँ से आपको बस मिलेगी। पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट तक जाने से पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एग्जिट पॉइंट के पास से ही बस के लिए टिकट मिलेगी। तो आप टिकट खरीद के फिर वहाँ पर बस स्टॉप पर जाइए। ये जो टिकट होगी यूजुअली 10 रुपया में मिलती है या फिर $1 लगेगा। अगर आप माले से हुलुमाले या हुलुमाले से माले आइलैंड जाना चाहते हैं तो इन दोनों के बीच में भी बस चलती है और ये हर 15 मिनट में चलती है। इस बस का शेड्यूल भी आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर कुछ बस के रूट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें माले से हुलुमाले, हुलुमाले से माले, माले से एयरपोर्ट और हुलुमाले से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से माले और हुलुमाले, इन सभी रूट को आप देख सकते हो। मालदीव्स में अगर आप बस से जा रहे हो तो एक बात खास याद रखिए कि जो इनके एयरपोर्ट के रूट है, यानी कि एयरपोर्ट से माले और हुलुमाले या फिर माले और हुलुमाले से एयरपोर्ट, इस रूट पर जो बस चलती है उसमें डिक्की की फैसिलिटी होती है, तो आप अपना बड़ा बैग भी इसमें ले जा सकते हो। पर जो माले से हुलुमाले या हुलुमाले से माले के बीच में बस चलती है उसमें डिक्की नहीं होती है, तो आप अपना बड़ा बैग नहीं ले सकते हो। बड़ा बैग बस के अंदर ले जाना भी अलाउड नहीं है, तो इस बात को खास ध्यान रखिए। बस के अलावा इन तीनों आइलैंड पर आप टैक्सी से भी जा सकते हो। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही वहां पर सामने ही टैक्सी स्टैंड है। एयरपोर्ट से माले और हुलुमाले के लिए यूजुअली 60 रुपया जितना चार्ज करते हैं, जबकि हुलुमाले से माले तक जाने के लिए 80 से 100 रुपया जितना चार्ज लगता है। इन तीनों को छोड़ के जो बाकी के आइलैंड है वो थोड़े दूर है, तो वो कोई ब्रिज से कनेक्टेड नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पर बस या टैक्सी नहीं जा सकती है। तो सिंपल सी बात है, आपको इस आइलैंड पर जाने के लिए बोट से जाना होगा। अब ये जो बोट होती है वो दो तरह की होती है, एक होता है स्पीड बोट और दूसरा होता है पब्लिक फेरी। अब ये जो स्पीड बोट होती है वो पब्लिक फेरी से 3 गुना ज़्यादा स्पीड में चलती है। तो स्पीड बोट जहाँ तक पहुँचाने के लिए आधा घंटा टाइम लेती है, वहीं तक पब्लिक फेरी से पहुंचने के लिए 1.5 घंटे जितना टाइम लग सकता है। पर पब्लिक फेरी की जो टिकट होती है वो काफ़ी सस्ती होती है, जैसे कि स्पीड बोट की टिकट जहाँ तक पहुंचने के लिए $20 होगी, तो वही सेम डिस्टेंस के लिए पब्लिक फेरी की टिकट होती है सिर्फ $2। ये पब्लिक फेरी जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट ऑपरेट करती है और पब्लिक फेरी सिर्फ लोकल आइलैंड पर जाती है, कोई भी प्राइवेट आइलैंड पर पब्लिक फेरी नहीं जाती है।
लोकल आइलैंड क्या होता है कि वहां पर मालदीव्स के जो लोकल पब्लिक है वो भी रहते हैं और टूरिस्ट भी घूमने के लिए जाते हैं, जबकि जो प्राइवेट आइलैंड होता है वहां पर सिर्फ एक रिजोर्ट होता है, मालदीव्स की कोई लोकल पब्लिक नहीं होती है, सिर्फ टूरिस्ट ही होते हैं। अब ये जो स्पीड बोट होती है वो लोकल और प्राइवेट दोनों आइलैंड पर चलती है। लोकल आइलैंड पर जो स्पीड बोट चलती है वो वहाँ के प्राइवेट टूर ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं। हर लोकल आइलैंड पर एक या दो ऐसे प्राइवेट टूर ऑपरेटर होंगे जो स्पीड बोट ऑपरेट करते हैं, और इसका पूरे दिन का एक फिक्स टाइम शेड्यूल होता है, उसी टाइम में ये स्पीड बोट चलती है। जबकि जो प्राइवेट आइलैंड होता है वहाँ पर आइलैंड पर जो रिजोर्ट है उसी की स्पीड बोट होती है, वहाँ पर दूसरे की स्पीड बोट नहीं चलती है, और इसका कोई फिक्स टाइम शेड्यूल नहीं होता है। आप जब भी आने वाले होते हो उसी टाइम में आपको पिकअप और जब जाना होता है उस टाइम पर आपको ड्रॉप कर देते हैं। तो इसीलिए प्राइवेट आइलैंड के रिजोर्ट की जो स्पीड बोट होती है उसका चार्ज भी काफ़ी ज़्यादा होता है। सेम डिस्टेंस के लिए जहाँ पर लोकल आइलैंड की स्पीड बोट के लिए $20 चार्ज लगता है, वहीं पर प्राइवेट आइलैंड की स्पीड बोट के लिए $100 से $150 जितना चार्ज लेते हैं। तो अब अगर आप मालदीव्स में प्राइवेट आइलैंड में जा रहे हो तो सिर्फ उनको पहले से ही आपकी फ्लाइट की डेट, टाइम और फ्लाइट नंबर ये सारी डिटेल मेल कर दीजिए, ताकि वो आपके फ्लाइट के टाइम के हिसाब से स्पीड बोट अरेंज कर देंगे। आप जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर आते हो वहाँ पर हर आइलैंड का एक काउंटर होता है, आप जो भी अपना आइलैंड है उसके काउंटर पर जाइए, वहाँ पर जो भी पर्सन होगा वो आपको स्पीड बोट तक ले जाएगा और स्पीड बोट से ही आपको आइलैंड तक पहुँचा देगा। कुछ जो बड़े रिजोर्ट है उनके वेटिंग लॉन्च भी होते हैं एयरपोर्ट पर, तो अगर आपकी स्पीड बोट आने में टाइम है तो आप लॉन्च का भी मज़ा ले सकते हो। अब अगर आप लोकल आइलैंड पर जा रहे हो तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक होता है स्पीड बोट और दूसरा होगा पब्लिक फेरी। इसमें अगर आप स्पीड बोट से जाना चाहते हो तो आप जिस भी होटल में रुकने वाले हो उनको मेल करके बता दीजिए और अपनी फ्लाइट की डिटेल दे दीजिए, ताकि वो उस फ्लाइट के टाइम के अनुसार जो भी स्पीड बोट शेड्यूल में होगी टाइम में उस स्पीड बोट में आपकी टिकट रिजर्व कर लेंगे। पर ये जो स्पीड बोट होगी वो उनके फिक्स टाइम शेड्यूल में होगी, तो हो सकता है कि आपको ये स्पीड बोट के टाइम तक वहाँ पर एयरपोर्ट पे ही वेट करना पड़े। ये स्पीड बोट का बुकिंग करने के लिए होटल से ही बुकिंग करना कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो वहाँ पर जाके डायरेक्टली भी बुकिंग करा सकते हो, पर हो सकता है कि आप जब जाए तो उस टाइम पे बोट फुल हो गई हो और आपको जगह ना मिले तो आपको दूसरी बोट की वेट करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए बेटर यही रहेगा कि आप पहले से ही होटल के थ्रू ही बुकिंग करवा के रखें। चार्ज में कोई फर्क नहीं होगा, आप डायरेक्टली करवाइए या होटल से करवाइए, दोनों में सेम ही चार्ज लगेगा। अब दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं जो कि है पब्लिक फेरी। तो ये पब्लिक फेरी का बुकिंग जो है वो आपको होटल से नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पर जाकर ही करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो लोकल आइलैंड के लिए पब्लिक फेरी है वो आपको एयरपोर्ट से नहीं मिलेगी, एयरपोर्ट से सिर्फ माले के लिए ही पब्लिक फेरी मिलती है, बाकी और कोई भी आइलैंड के लिए पब्लिक फेरी नहीं मिलती है। उसके लिए आपको माले जाना होगा और फिर माले से बाकी के आइलैंड के लिए पब्लिक फेरी मिलती है। मालदीव्स के जो लोकल आइलैंड है उसमें से टूरिस्ट जिसको सबसे ज़्यादा प्रिफर करते हैं वो है माफूसी आइलैंड। तो इसीलिए मैं आपको माफूसी आइलैंड के स्पीड बोट और पब्लिक फेरी का शेड्यूल बताऊंगा। ये जो आप देख रहे हो ये एयरपोर्ट से माफूसी और माफूसी से एयरपोर्ट के स्पीड बोट का शेड्यूल है। अब ये जो आप देख रहे हो वो पब्लिक फेरी का शेड्यूल है। माफूसी के लिए जो पब्लिक फेरी है वो माले में विलिंगली टर्मिनल से मिलती है, तो या तो आप एयरपोर्ट से डायरेक्टली टैक्सी करके विलिंगली टर्मिनल तक पहुंच सकते हो, या फिर आप एयरपोर्ट से पब्लिक फेरी में माले जा सकते हो और फिर वहां से
विलिंगली टर्मिनल तक टैक्सी करके जा सकते हो। अब अगर कभी ऐसा होता है कि आपका स्पीड बोट में बुक करना रह गया है, मिस हो गई हो, या पब्लिक फेरी के जो शेड्यूल टाइम है उस टाइम तक नहीं पहुंच पाए हो, तो तीसरा भी एक ऑप्शन है आपके पास, वो होता है लोकल फेरी का। ये जो इस तरह की एक फेरी होती है जिसमें लोकल आइलैंड पर सामान पहुंचता है। इस तरह की फेरी में भी बैठने के लिए कुछ सीट्स होती है, उसमें भी आप लोकल आइलैंड तक जा सकते हो। ये जो माले में विलिंगली टर्मिनल है उसके पास में पेट्रोल जेटी है, वहाँ से इस तरह की सारी फेरी निकलती है। पर इसका कोई फिक्स टाइम शेड्यूल नहीं होता है, तो आपको ये वहीं पर जाकर पता करना होगा कि आप जिस दिन गए हो उस दिन ये लोकल फेरी निकलने वाली है कि नहीं निकलने वाली है। तो इसको आप सिर्फ अपने लास्ट ऑप्शन के तरह ही रख सकते हो। इसमें जो चार्ज होता है वो $5 लगता है। एक बात आप खास याद रखिए कि ये जो स्पीड बोट, पब्लिक फेरी या लोकल फेरी जो होती है वो सिर्फ दिन के टाइम में ही चलती है। स्पीड बोट लास्ट रात को 8 बजे तक मिलेगी, उसके बाद कोई भी बोट नहीं होती है। तो अगर आप एयरपोर्ट पर 8 बजे के बाद पहुंचते हो तो आपको वहीं पर रुकना होगा। आप माले में या तो उलू माले में रुक सकते हो, फिर दूसरे दिन सुबह आपको बोट मिलेगी अपने रिजोर्ट तक जाने के लिए। अब मालदीव्स में कुछ आइलैंड ऐसे हैं जो माले एयरपोर्ट से काफ़ी दूर है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सी प्लेन में जाना होगा। ये सी प्लेन का अरेंजमेंट भी आप जिस भी आइलैंड पर रुक रहे हो वही आइलैंड के रिजोर्ट वाले कर देते। इसके लिए भी आपको पहले से ही अपनी फ्लाइट की डिटेल और डेट टाइम ये सब मेल करना होगा, और वो आपका उस टाइम के हिसाब से सी प्लेन अरेंज कर देंगे। ये सी प्लेन का जो चार्ज होता है वो भी रिजोर्ट वाले अपने हिसाब से ही डिसाइड करते हैं। ये $400 से लेके 500, 600, 700, $800 तक हो सकता है। तो ये थी मालदीव्स में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सारी जानकारी। अगर आप अभी भी कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।